नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे शेयर मार्केट में इस सिचुएशन में पैसे कमाने चाहिए। आपको पता ही है कि मार्केट्स बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हो गई है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है। तो ऐसे समय में, ऐसी वॉलेटाइल सिचुएशन में हम शेयर मार्केट से कैसे पैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो चलिए बात करते हैं इसी स्ट्रैटेजी के बारे में। स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक हेडलाइन पढ़ाना चाहता हूं, जो कि है जीडीपी का डाटा। फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जीडीपी का ग्रोथ डाटा आ चुका है और वो है 4.2%। जीडीपी की ग्रोथ हुई है 4.2% की, लेकिन जो समझने वाली बात यह है, जानने वाली बात यह है कि ये ग्रोथ है 11 ईयर का लो, यानी कि 11 ईयर्स में सबसे कम आया है इस टाइम का जीडीपी का ग्रोथ। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी है, इकोनॉमी की हालत पिट रही है, इकोनॉमी पिट रही है। कोरोना वायरस की वजह से काफी बड़ा इफेक्ट पड़ चुका है। मार्केट्स भले ही ऊपर जा रही है, लेकिन जो डेटा, जो पॉइंट्स, जो न्यूज हमें आ रही है वो काफी नेगेटिव आ रही है। और अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है कि जिसमें हमें मार्केट्स में ओवर बुलिश क्यों नहीं होना चाहिए, आप वो देखना चाहते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे एक लिंक आ रही होगी, उसे क्लिक कीजिए और देखिए, जिसमें मैंने अलग अलग पॉइंट्स बताए हैं कि किस वजह से हमें मार्केट्स में ओवर बुलिश नहीं होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि आज ये डेटा भी सामने आ गया है कि जीडीपी की ग्रोथ 11 ईयर्स की लो हो चुकी है, काफी ज्यादा नीचे हो चुकी है। तो अब बात करेंगे हमारे स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसमें हम इजीली पैसे बना सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है बाय लो और सेल हाई की, यानी कि सपोर्ट लेवल्स पे हमें बाइंग करनी है और रेजिस्टेंस लेवल पे इसमें प्रॉफिट बुक करना है। सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल जानने के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हो गया पिवट पॉइंट्स, बॉलिंजर बैंड, एमएसीडी, मनी फ्लो इंडेक्स और आरएसआई जैसे बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं जिसमें हम इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को जान सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड होता है वो नॉर्मली सपोर्ट के तौर पर दिखाई देता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो है उसका अपर बैंड। वहां से थोड़ा सा टेक्निकल करेक्शन नॉर्मली स्टॉक में देखने को मिलता है। तो लेकिन इस स्ट्रैटेजी को अपनाने से पहले, यूज करने से पहले, मैं आपको यही राय दूंगा कि इस स्टॉक को हो सके, इस स्ट्रैटेजी को हो सके उतना ब्लू चिप स्टॉक्स में ही यूज कीजिए, क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है, कभी पर भी कोई भी न्यूज आ सकती है और मार्केट्स उल्टी दिशा में जा सकती है। इसलिए हो सके उतना ब्लू चिप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कीजिए। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूं जो मैं भी फॉलो करता हूं, यही स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता हूं, लेकिन किस तरह से करता हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा। जब भी मैं कोई इन्वेस्टिंग के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक लेता हूं, सपोज मैं 10 शेयर ले रहा हूं किसी एक कंपनी के, कंपनी रखते हैं हम सपोज बजाज फिनसर्व, सपोज मैंने बजाज फिनसर्व के 10 शेयर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए लिए हैं 4100 पर, तो मैं साथ ही साथ उसके 10 और शेयर्स लूंगा उसी प्राइस पे ट्रेडिंग के लिए। मुझे पता है कि 4100 उसके लिए अच्छा सपोर्ट है, तो इसलिए मैं वहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी स्टॉक्स ले रहा हूं, और साथ ही साथ जो ऊपर के 10 शेयर्स में लेता हूं उसे मैं ऊपर के प्राइस पर बेच देता हूं। यह करने से हमारे पास लिक्विडिटी रहती है और थोड़ा सा प्रॉफिट हमारे जेब में भी आता है। तो आपको मैं उदाहरण के तौर पर दिखाऊंगा कि कहां कहां पर मैंने आपको भी रेकमेंड किया था ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने को, कहां पर हमें सपोर्ट लेवल मुझे दिखा था और मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि ये सपोर्ट लेवल ये स्टॉक के लिए अच्छा है। अलग अलग स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे जहां पर मैंने आपको सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बताया था। तो आप देख सकते हैं हम बजाज फिनसर्व के चार्ट पर आ चुके हैं। कुछ दिन पहले इसने, बजाज फिनसर्व ने अपने लोअर बैंड के नीचे क्लोजिंग दी थी, बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के नीचे क्लोजिंग देने के कारण मैंने आपको कहा था कि ये स्टॉक कम से कम एक टेक्निकल बाउंस बैक देख सकता है, और ओवरऑल स्टॉक बहुत ही ज्यादा करेक्ट हो चुका है, अच्छे वैल्यू पर आ चुका है। इसलिए मैंने आपको रेकमेंड किया था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 4100 के नीचे इसमें अच्छी वैल्यू आ जाती है। इसलिए अगर आपने लिया है तो अच्छी बात है। मैंने भी थोड़ी सी बाइंग की थी, मैंने जितनी बाइंग करनी थी, जितना मैंने सोचा था कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इतने स्टॉक्स लूंगा, लेकिन मैंने उससे डबल क्वांटिटी ली है, क्योंकि मैं लोअर साइड पर इसे बाय करता हूं और ऊपर सेल कर देता हूं। सपोज मैंने इसमें 10 शेयर्स लेने थे, लेकिन उसकी जगह मैंने 20 शेयर्स लिए और ऊपर जाने पर 10 शेयर्स में सेल कर दूंगा, जिससे मुझे थोड़ी लिक्विडिटी भी मिलती है। तो इसलिए मैं आपको भी यही रिकमेंड करता हूं कि ब्लू चिप स्टॉक जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं तो उससे डबल क्वांटिटी लीजिए जितना आप लेना चाहते हैं। तो जब भी स्टॉक थोड़ा टेक्निकल बाउंस बैक दिखाए तो आप उसमें से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, जिससे हमें लिक्विडिटी भी मिलती है और थोड़ा सा प्रॉफिट हमारे जेब में भी आ जाता है। तो ऐसे ही दूसरे स्टॉक में बताने जाता हूं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक के चार्ट की तरफ।
अब देख सकते हैं हम आ गए हैं एसबीआई बैंक के चार्ट्स पर, जिसमें मैंने बॉलिंजर बैंड लगाया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने 150 के लेवल पर आपको रेकमेंड किया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे एक लिंक आ रही होगी, उसे क्लिक कीजिए और आप वो वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 150 बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है। क्योंकि पिछले समय में देखे, पास्ट 10 इयर्स में 150 के आसपास इसने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट तगड़ा सपोर्ट लिया है। बहुत बार 150 के बाद सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, बॉटम बनाने के बाद काफी ऊपर जाता है, 300 का हाई बनाता है, वापस नीचे आता है। तो इसी तौर पर मैंने आपको बताया था कि 150 के प्राइस पर पास्ट फ्यू ईयर से अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, इसलिए अगर आपको थोड़ी सी बाइंग करनी है तो आप कर सकते हैं, जिसके बाद हमें थोड़ा सा टेक्निकल बाउंस बैक भी देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि 161 पर ये अभी ट्रेड कर रहा है, तो मैंने थोड़ी सी और क्वांटिटी ली थी ट्रेडिंग करने के लिए, वो ट्रेडिंग क्वांटिटी मैंने बेच दी है, उसमें से मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो अब देखते हैं अगला स्टॉक कौन सा है जिसमें मैंने आपको रिकमेंडेशन दी थी। आप देख सकते हैं हम आ गए हैं HDFC लिमिटेड के चार्ट्स पर। जब मैंने आपको रेकमेंड किया था 1500 के लेवल का अच्छा सपोर्ट है, उसके बाद थोड़ी सी हमें तेजी देखने को मिली थी, लेकिन जो 20 डेज का EMA है वहां पर उससे रेजिस्टेंस लगा था और स्टॉक वापस 1500 आ गया था। लेकिन आज और 3 दिनों से इसमें काफी तेजी देखने को मिली है। आज इसने अपने मीडियन के ऊपर क्लोजिंग दिए, बॉलिंजर बैंड का जो मीडियन है उसके ऊपर क्लोजिंग दिए, यानी कि स्टॉक ऑलरेडी बुलिश हो चुका है। तो इसमें भी मैंने आपको लॉन्ग टर्म होराइजन से अच्छी खासी बाइंग करने को कहा था, क्योंकि स्टॉक बहुत ही अच्छा है, ब्लू चिप स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, रेप्यूटेड ग्रुप की कंपनी है, इसलिए आपको रेकमेंड किया था कि आप इसमें से थोड़ी बाइंग कर सकते हैं और आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। लेकिन अब ये स्ट्रैटेजी अगर हम देखें तो उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए तो रखिए ही, लेकिन थोड़ी सी ट्रेडिंग के लिए भी आप इसमें क्वांटिटी उठा सकते हैं, और जब थोड़ा सा टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिले तो आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर अभी की बात करें तो जब मैंने आपको रेकमेंड किया था 1500, उससे ये ऑलमोस्ट 10% ऊपर चल रहा है। सिर्फ 3 या 4 दिनों में हमें उतना प्रॉफिट मिल चुका है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे एक लिंक मिल रही होगी, उसे क्लिक कीजिए और आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में जो कि मैंने रेकमेंड किया था। तो आप देख सकते हैं हम आ गए हैं एस्ट्रल पॉलिटेक्निक के चार्ट्स पर। जब मैंने आपको रेकमेंड किया था उस दिन एक बहुत ही अच्छी कैंडल बनी हुई थी। आप देख सकते हैं कि एक हैमर जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है, पतला सा हैमर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि उसी दिन इसने लो कुछ बनाया था 777 के आसपास का, लेकिन उसी दिन हमें रिकवरी देखने को मिली थी और स्टॉक काफी ऊपर क्लोज हुआ था अपने टुडेज लो से। बॉलिंजर बैंड के भी ऊपर क्लोज हुआ है, बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड से ऊपर क्लोज हुआ है। लेकिन उस दिन वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये स्टॉक वापस 800 के नीचे मिलता है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखना है तो टॉप राइट कॉर्नर पे एक लिंक आ रही होगी, उसे क्लिक कीजिए और आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वापस एक बार 800 के नीचे आया था और अपने लोअर बैंड को टच करके वापस ऊपर चला गया था। अब देख सकते हैं उसके बाद अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, 3 दिनों से स्टॉक ऊपर ही जा रहा है और अपने 20 डेज के EMA और बॉलिंजर बैंड के मीडियन के भी ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो ये है एक और एग्जांपल शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का। और भी स्टॉक्स मैंने रेकमेंड किए थे, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट है, L&T मैंने रेकमेंड किया था कि अगर 800 के नीचे मिलता है तो अच्छा बाय है, HDFC बैंक 850 के नीचे जब वो 825-30 के आसपास लो बनाया था तब भी मैंने आपको रेकमेंड किया था, टाटा स्टील भी एक स्टॉक है जो मैंने आपको रेकमेंड किया था 260 या 270 के आसपास, वो भी एक अच्छा बाय था और आज ये 300 के आसपास चल रहा है। तो ऐसे कई और स्टॉक्स है जो मैंने आपको रेकमेंड किए थे, लेकिन मेरा मानना यही है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये भी एक स्ट्रैटेजी है जो हम निभा सकते हैं, जिससे हमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट भी मिलता है, स्टॉक मार्केट में हमारे पोर्टफोलियो में थोड़ी सी लिक्विडिटी बनी रहती है और थोड़ा सा प्रॉफिट हमारे जेब में भी जाता है। तो ये आपका डिसीजन है कि आपको ये स्ट्रैटेजी निभानी है, आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, यूज करनी है या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।